देखो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ना हमारे पास 33 का, मतलब ओर वाला पार्ट जो है, इसमें आपको क्या बोला गया, राइट सर्कुलर सिलेंडर वाटर टैंक सप्लाई वाटर टू कॉलोनीज, आपको बता रखा है ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ अ सिटी एंड टू नियर बाय विलेज। ईच कॉलोनी हैज अ क्यूबॉइड ईगल वाटर टैंक। इन विलेज पीपल कम विद मटकास, स्पेरिकल क्ले पॉट्स। भाई गांव में आप लोग जानते हैं मटके से पानी भरते हैं, तो टू फिल द वाटर इन द हाउस होल्ड्स, अपने घर में पानी ले जाने के लिए। तो ये डायमेंशन हमें दे रखी है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखो पानी को लेकर आया कौन, टैंक। पानी को लेकर कौन आया, टैंक। टैंक ने कहाँ दिया, इसके अंदर दिया। और जब इसके अंदर पानी को दिया तो यहाँ से हमने पानी कहाँ लिया, इन मटकों में लिया, यहाँ से हमने सप्लाई करा। तो डायमेंशन हमें दे दी अलग अलग, अलग अलग डायमेंशन दे दी। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन आपको दिया है। सबसे पहली बात, जो बच्चे थोड़ा थोड़ा सा भी जानते हैं कैलकुलेट करना, यार पानी जब इतना लेकर आया है, इसका ये डायमीटर दे दिया तो रेडियस तो हो जाएगा वन, इसमें पानी कितना आया, सबसे पहली बात। तो इसका वॉल्यूम ही नहीं, इसका वॉल्यूम निकाल लो, सिलेंडर है ना भाई, पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7, तो जल्दी जल्दी से निकाल दो भाई और मेरे को आंसर बता दो कितना आया, 70। तो जब आप इसको आई थिंक सोल्व कर रहे होंगे यहाँ से, जब आप इसको सोल्व करेंगे, मैंने जो इसको सोल्व किया था लगभग लगभग, मैं एक बार एक और कर लेता हूँ, 22/7 जब हम करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 70, तो 220 के करीब इसकी वैल्यू आएगी। बिल्कुल, तो 220 मीटर क्यूब आएगा। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ टैंक, इसका वॉल्यूम आया है टैंक का। अब इस वाले क्यूबॉइड, ये क्या है हमारे पास क्यूबॉइड, इसका वॉल्यूम भी निकाल लो भाई, इसमें कितना आता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का। तीनों के अलग अलग वॉल्यूम निकालते हैं सबसे पहले, फिर जिससे कि कोई झंझट ही ना रहे। 3 × 2 × 7, तो 6 7 का कितने होते हैं हमारे पास, 42 मीटर क्यूब। तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका वॉल्यूम। फिर उसके बाद हमारे पास क्या रहेगा, स्पेयर होता है मटका, मटका क्या होता है, स्पेयर होता है पूरा, तो हम इसका भी क्या है वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर हमारे पास कितना होता है, 4/3 πr³। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर कितना आ जाएगा हमारे पास, 4/3 πr³। तो बच्चों हमने इसको भी कर लिया, 4/3 × 22/7 × रेडियस, रेडियस इसका कितना हो जाएगा, 21³। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे यहाँ से, तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी 38,808 cm³। देखो ये सेंटीमीटर में दिया भाई, सबसे पहली बात बेवकूफ बनाने के लिए, तो ये सेंटीमीटर क्यूब हमें दे रखा है, सेंटीमीटर दे दिया ना, तो हम क्या करेंगे इसको भाई, मीटर में तो बनाना पड़ेगा, नहीं तो बन जाएगा बेवकूफ। और इसमें ना 38 है ना, देखो दो तरीके हैं यहाँ से, या तो आप इसको पूरा का पूरा 40,000 मान लो। देखो मैं बताता हूँ क्यों, 40,000 क्यों माना, 40,000 m³, सेंटीमीटर क्यूब माना, जब आप इसको सोल्व करोगे तो 0.04 m³ आ जाएगा भाई। इसको 10^2 100, मतलब 2 2 4 2 6, इतने से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये मीटर क्यूब में आ जाएगा ऑल ऑफ यू नो। और मैंने 40,000 क्यों लिया, क्यों लिया, देखो ये डाटा आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है, मेरे पास तो है रेडी। तो आप क्या करोगे, यहाँ से इतना डाटा हमारे समझ में आ गया। देखो इसमें ना एक बात बोली गई है, क्यों करा मैंने 40,000 क्यों लिया, इसका एक कारण है क्यों, क्योंकि इसमें बोला गया है कि आप ना इन अ टैंक सप्लाई वाटर टू 3 colonies एंड देन गोज टू अ विलेज वेयर 400 पीपल फिल देयर मटकास रफली, रफली आप कर सकते हैं, मतलब आसपास वैल्यू आप निकाल सकते हैं, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग 40,000, इसका एक रीजन है 40,000 रफली उसमें बोला गया है। मतलब ऐसा नहीं कि एक्यूरेसी में लगे हुए, उससे आपका आंसर तो आएगा ही, वही उसके आसपास ही आएगा, पर ये भी बहुत बड़ा काम करते हैं। तो क्वेश्चन में थोड़ा देख लेना, अगर इफ देयर इज रिटन रफली, तो आप रफली भाई आसपास वैल्यू लेके अपना काम आसान बना सकते हैं मेरी तरह, तो मैंने तो बना दिया है। तो यहाँ से जब आपको इतनी बात समझ में आ गई, तो हाउ मच वाटर इज सप्लाइड बाय द टैंक इन ऑल, तो हाउ मेनी कॉलोनीज इन द टोटल वुड फुल टैंक टू एबल टू सप्लाई। अगर हम पहले वाले पार्ट के आंसर की बात करें, तो आपने जो आंसर निकाला था ना, यहाँ से जो आपने आंसर निकाला था पाई आर स्क्वायर एच, तो वो तो हाउ मेनी कॉलोनीज इन टोटल वाटर वन फुल टैंक बी एबल टू सप्लाई, हाउ मेनी कॉलोनीज इन टोटल वुड वन फुल टैंकर बी एबल टू सप्लाई। अगर मैं बताऊं तो इसका वॉल्यूम हमारे पास कितना आया था बच्चों, आपने लिखा था कितना, हमारे पास आया था 220 वॉल्यूम आया था, और टैंक का वॉल्यूम आया था हमारे पास कितना, टैंक का वॉल्यूम आया था 42, आया था नहीं आया था। तो इस वाले में हमें हाउ मेनी कॉलोनीज इन टोटल, तो हम क्या करेंगे 220 को 42 से कर देंगे डिवाइड, तो नंबर ऑफ ये आ जाएगा ना, हाउ मेनी कॉलोनीज इन टोटल, तो नंबर ऑफ कॉलोनीज आ जाएगा जहाँ पे पानी सप्लाई हो जाएगा, तो लगभग 5.23 के करीब आएगा। तो इसको हम 5 भी बोल सकते हैं, 6 भी लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक
ठीक है, 5.5 मत कर देना, 5 या लिखे या 6 लिखे, मतलब रफली डाटा एक्यूरेट के पास लिखे, यानी कि आधी कॉलोनी को प्यासा कर दोगे, ऐसा काम नहीं करना है। तो 5 हो जाएगा पहले वाले के केस में आंसर। दूसरे वाले में आपको क्या करना है, इन अ टैंक सप्लाई 3 कॉलोनीज, अगर जो टैंक है वो 3 कॉलोनीज में सप्लाई करता है, गोस्ट टू विलेज वेयर 400 पीपल फिल देयर मटकास, रफली रफली बता रखा है साहब साहब। तो यहां से अगर मैं आपको बताऊं तो हमने कन्वर्ट कर दिया है, एक बार बताना, 400 पीपल है, 400 पीपल है, वॉल्यूम हमारे पास कितना आया था, वॉल्यूम हमारे पास कितना आया था उसका, 38,000, जिसको हमने पॉइंट 0.04 मान लिया था, तो 0.04, तो इन दोनों वैल्यू को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 16 m³ आ जाएगा, कितना, 16 m³ आ जाएगा बच्चों। ये वाली बात आपकी समझ में आ गई होगी, 16 m³ में कैसे ले रहा हूँ। अब एक बार बताओ ये कितनी कॉलोनीज में जाता है यहाँ से, अगर मैं आपको बताऊँ कितनी कॉलोनीज में जाता है यहाँ से, हमने आपको बताया था 16 m³ तो आया, जहां पे अगर मैं आपको बताऊँ 400 मटके है ना टोटल, एक में कितना है 16 m³, तो टोटल 400 पीपल है, सॉरी 400 400 पीपल फिल देयर मटका, तो यानी मटके भी 400 ही होंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे, तो एक बात बताना यार मेरे को, 3 तो कॉलोनी है, ठीक है, 3 क्या है कॉलोनी, और एक का वॉल्यूम हमारे पास कितना आता है, अगर मैं आपको बताऊं, अगर इससे पहले जो हमने इसमें फाइंड आउट करा था बच्चों, इसका 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 वॉल्यूम कितना आया था, 42 m³ आया था। तो 3 कॉलोनी है, एक टैंक में कितना आता है 42, तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, ये 126 m³, कितना आता है 126 m³ आ गया। और जब हम यहाँ से इसको 126 तो मेरे पास है, और ये हमारे पास जो बचा हुआ पार्ट है जो पूरी सप्लाई कर रहा है यहाँ से, तो हमें यही तो बताना था ना कि इफ अ टैंकर सप्लाई वाटर टू 3 कॉलोनी, तो टैंकर जो है 3 कॉलोनी में सप्लाई करता है, तो यानी 126 m³ पानी लगता है, एंड देन गो टू अ विलेज वेयर 400 पीपल लिव टू फिल देयर मटकास, रफली हाउ मच वाटर इज सप्लाई इन अ टैंकर इन ऑल, गिव योर रीजन इन। तो भाई 126 ये और 16 ये, तो 126 प्लस के 16, तो हमारे पास कितना आता है 140 m³, इसका फाइनल आंसर हम क्रिएट कर सकते हैं। तो यानी 140 m³ इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, कितना, 140 6 12 यानी 142, 142 m³ इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 140 के करीब भी आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात, तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इसको दोबारा से देख लेना, आराम से आप इसको करना, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे से पूछ लेना, मैं इसको बता दूंगा आपको, वापस से कमेंट कर देना मेरे को। तो ये वाला कंप्लीट हो जाता है हमारा क्वेश्चन, उसके बाद इसमें आपको बता भी रखा था कि ये होता है, मैंने आपको वैसे करके बताया था। प्रोसीड करते हैं 34 क्वेश्चन के लिए।